हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी और फुल ऑफ प्रोटीन सैलड। आज हम बनाने वाले हैं ब्लैक बीन सैलड। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ब्लैक बीन सैलड बनाने के लिए मैंने ये ब्लैक बीन्स को रात भर भिगा के रखा था, फिर इसको मैंने बॉयल किया है। इसको हमें अच्छे से बॉयल कर लेना है। देखिए इस तरह से, ये थोड़े से हार्ड होते हैं टेक्सचर में, तो थोड़ा टाइम लगता है बॉयल होने में। बॉयल करने के बाद इसका पानी पूरी तरह से निकाल देंगे और इसको ड्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड किया मैंने एक बड़ा चम्मच उबला हुआ कॉर्न, एक बड़ा चम्मच खीरा कटा हुआ, प्याज चॉप किया हुआ, टमाटर एक बड़ा चम्मच टमाटर ऐड कर रही हूँ, टमाटर के सीड्स मैंने निकाल दिए थे, गाजर, कैप्सिकम चॉप करके। आप इसमें बेल पेपर्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी सैलड में बहुत अच्छा लगता है। साथ में डाली मैंने एक हरी मिर्च काट के, इसको हम मिक्स कर देते हैं। काफ़ी कलरफुल सैलड होता है ये। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ी पुदीने की पत्तियाँ, उसको बस इस तरह से तोड़ करके ऐड कर दूंगी मैं इसमें, 2 से 3 पुदीने की पत्तियाँ। अगर आप इसमें धनिया का फ्लेवर चाहते हैं तो आप हरी धनिया भी काट के ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा नमक। सीजनिंग में हम बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करते हैं। नमक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा नींबू का रस, इसको हम मिक्स कर देंगे। ब्लैक बीन सैलड काफ़ी रिच इन प्रोटीन होता है और काफ़ी हेल्दी होता है। आप चाहें तो इसको एज अ साइड डिश सर्व कर सकते हैं, या अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ हैवी मील तो भी आप ये ले सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और ये तैयार हो गया हमारा ब्लैक बीन सैलड। इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए और अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।